सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के लिए डेली एनसीआर में कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। आज उसी तरह इंडिया का जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है गोवा के अंदर, हम लोग आप लोगों के लिए खुद का एक प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। तो बेसिकली जो हमारा आज का प्रोजेक्ट रहने वाला है, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने मतलब मुंबई पुणे में बहुत टॉप मोस्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स डिलीवर अप करे हैं। आज उन्हीं की तरफ से एक हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर लेंगे, प्रॉपर 130 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट रह रहा है, जिसके अंदर आपको 1500 स्क्वायर फीट और 1800 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मिलते हैं। अब अगर लोकेशन की एग्जैक्ट बात करते हैं, नॉर्थ गोवा के अंदर आप लोगों ने जब भी विजिट किया होगा, बिचोलियम की लोकेशन पे ये हमारे प्लॉट्स आ रहे हैं। ये प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहने वाली है, जिसका साइज रहने वाला है 130 एकड़। 130 एकड़ के अंदर ये पूरी टाउनशिप आ रही है, जिसके अंदर आपको 40+ एमिनिटीज मिलेंगी। इंडिया का पहला कॉन्सेप्ट पे हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके अंदर 2.5 एकड़ के अंदर इंडिया का पहला मैनमेड बीच बनेगा। इसका मतलब ये कि एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट आएगा, जिसके अंदर अगर हम आपसे बात कर ले, 40+ टॉप मोस्ट एमिनिटीज आपको मिलती है। साथ में प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करें, आपको 5-स्टार होटल्स, आपको बार्स, क्लब्स सब कुछ मिलते हैं। अब जैसे आप लोगों को बताओगे, गोवा इज ऑलवेज फेमस फॉर नाइट लाइफ, तो नाइट लाइफ के अंदर जैसे आपको प्रॉपर गोवा के अंदर मिलता है। साथ में जो टूरिज्म का फुटफॉल है, वो एक इंडिया के अंदर एक ऐसी लोकेशन है गोवा जहाँ पे सबसे ज्यादा फुटफॉल रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो नाइट लाइफ एंड क्लब्स एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। साथ में गोवा एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली सबसे कम AQI मिलता है, 50 अंडर आपका AQI यहाँ पे रहता है, जिसको अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर आउट करें तो बाहर दिल्ली जैसी लोकेशन पे आपको 400+ का AQI मिलता है। इसका मतलब ये, अगर आप लोग गोवा को एज अपना सेकेंड होम भी कंसिडर आउट करते हैं, तो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्थ इट रहने वाली है। साथ में जो हमारा यहाँ पर कैपिटल इनकम की बात करें, तो गोवा इज द रिचेस्ट, मतलब गोवा नंबर 1 पे हमारी यहाँ पे रहने वाली है पर कैपिटा में, एज कंपैरेटिव बिहार, जिसको सबसे लोएस्ट है। एक ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली फुटफॉल मिलेगा, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत बढ़ेंगे। अगर आप इस प्रॉपर्टी में लेते हैं, तो मात्र 76 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको खुद का एक प्लॉट मिलता है, जो कि फ्री होल्ड है, ईजी पेमेंट प्लान के साथ, एक एंड रिनोन बिल्डर की तरफ से, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, आपको यहाँ गोवा के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, व्हाई नॉट अदर स्टेट्स। बेसिकली गोवा आप लोगों ने देखा होगा कि फुटफॉल में देखा जाए तो टूरिज्म के मामले में आउट ऑफ कंट्री से भी वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि गोवा एक ऐसी लोकेशन है जो आपको एक तो प्राइम लोकेशन की कनेक्टिविटी देती है, एंड साथ में अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट जिस स्टेट में आपको दो दो एयरपोर्ट्स मिलते हैं। बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट से 45 मिनट के डिस्टेंस पे ही आपको एयरपोर्ट मिलता है, मोपा एयरपोर्ट हमारे इस प्रोजेक्ट के नियर बाय रहेगा। साथ में अगर बात कर ले, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसके अंदर 40,000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको क्लब हाउस मिलेगा। साथ में जो इंडिया का कॉन्सेप्ट रहेगा, फर्स्ट मैनमेड बीच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट की क्या डिटेल्स है एंड मोर। बेसिकली अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज करते हैं, तो इस चीज के तो कंफर्मेशन है कि आपके ये वैल्यू ऑटोमेटिकली फ्यूचर में काफी अच्छा खासा इंक्रीज करेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप यहाँ पे 100 अपना प्लॉट भी लेते हैं 1500 स्क्वायर फीट का या 1800 स्क्वायर फीट का, उसको एज अ फ्यूचर आप बहुत एक अच्छे पर्पज से यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर आ रहा है, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ है, क्योंकि वहां पे गोवा के अंदर कुछ ऐसे लैंड है जो कि फ्री होल्ड नहीं है, एंड चर्च के लैंड है, उसमें क्या होता है कभी भी लैंड आपसे टेक ओवर हो जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक बिल्डर की तरफ से गेटेड टाउनशिप आ रही है, सबके रजिस्ट्री के प्लॉट्स रहेंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट में हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। मात्र 76 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपको आपका 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलता है, जिसके बाद अगर हम बात करें बड़े साइजेस की, तो यहाँ पे 1800 स्क्वायर फीट के भी आपको साइजेस मिलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल पेमेंट प्लान है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान से यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है। मात्र दो साल के अंदर आपको इस प्रोजेक्ट की पोजिशन मिलेगी, तो आपको स्लोली ग्रेजुअली पेमेंट करनी है। साथ में मात्र 45,000 रुपए देके आप यहाँ पे अपनी यूनिट बुक कर सकते हैं। सिंपल पेमेंट प्लान के साथ आ रहा है, एंड एक टॉप मोस्ट बिल्डर की तरफ से प्रोजेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करी, तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन फ्यूचर में मिलेंगी, एंड डे वन से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप इसको एज अ सेकेंड होम भी कंसिडर आउट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक सही हाथ में जाए एंड आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिले, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि अब जो हमारे पास मिनिमम साइजेस रहेंगे, वो कम होती चुकी है इन्वेंट्रीज, क्योंकि अब बड़े बड़े साइज आपको इजीली मिलेंगे। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अपना खुद का एक गोवा की
प्राइम लोकेशन नॉर्थ गोवा में अपना प्लॉट ले। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम लोग आप लोगों को ऐसी किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा।